सच्ची बताओ, आपने भी सोचा ना? मैं भी बड़ी बार सोचता हूँ कि यार ये जॉस जो बंदा है, ये बॉस कैसे करता है और ये इतने अजब गजब बैटिंग कैसे कर पाते हैं, व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल, और जो वो काम करते हैं 360 डिग्रीज, वो कैसे संभव हो पाता है, व्हाट इज लाइक द साइंस बिहाइंड जॉस बटलर्स जो कमाल करते हैं। तो शुरुआत में क्या है, उनका खेलने का अंदाज थोड़ा सा अलग इसलिए और इंडिया में अच्छा क्यों करते हैं उसकी भी एक वजह है कि हाफ जो है ना बंदे के बहुत नीचे रहते हैं, लंबे कद के हैं वैसे तो, लेकिन ना हाथ बहुत नीचे रखते हैं, जो नीचे हाथ रखता है थोड़ा सा बॉडी को नीचे झुका के रखता है तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब आपके पास ज्यादा पावर आप जनरेट कर सकते हैं, आपके पास बैलेंस थोड़ा सा बेहतर रहेगा और इसमें जॉस बटलर और एबी डिविलियर्स आपको बहुत इसमें सिमिलैरिटी नजर आएगी कि लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा रहता है। एबी के हाथ उतने नीचे नहीं है पर जॉस के हाथ भी नीचे रहते हैं, तो ये इनकी एक खास बात रहती है। उसके बाद जो ये करते हैं वो अलग काम करते हैं। कैसे करते हैं, उनके पास नीचे हाथ रखने के बाद, क्योंकि नीचे इतने हाथ हैं, ये करने का उनके पास ये टाइम रहता है, ये एक प्लान वो ऑलरेडी कर सकते हैं कि मैं नीचे झुकूंगा, क्योंकि ऑलरेडी नीचे है तो नीचे झुकना आसान है, फिर यहां से ये करना आसान है और ये करना आसान है। वैसे मेरे लिए बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, जिस प्रकार की बल्लेबाजी और जिस तरीके के शॉट ये लगा पाते हैं, क्विक हैंड्स, आप बार बार सुनते हैं कि भाई ये क्विक हैंड्स इट्स वेरी क्विक हैंड्स। भाई क्विक हैंड्स क्या बल्ला का नाम है, कैसे होते हैं क्विक हैंड्स, क्या चीज है, तो वो कितनी तेज आपका बल्ला किस प्रकार से चलता है, उनका ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बैकलिफ्ट होगी और फिर ये लंबा डाउन स्विंग होगा, ऐसा नहीं है। उनका बैट जो है छोटा सा उठाएंगे इसे, फिर इस प्रकार से बहुत तेजी से बल्ला चलता है, जो स्पीड है वो बैट स्पीड जनरेट करते हैं, और बैट स्पीड अगर आप उतनी अच्छी जनरेट कर सकते हैं तो फिर आपको ताकत मिलती है कि गेंद को आप दूर तक मार सकते हैं। और उसके बाद जस्ट द स्टेबिलिटी, एक वो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है अगर आप बड़े शॉट लगाना चाहते हैं, तो शेप जो है वो मेंटेन करना इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि आपका सर ना गिरे, आप शॉट मार रहे तो आप हिल नहीं जाते, कहीं इस तरफ नहीं गिर जाते, वो बहुत इंपॉर्टेंट भाग रहता है। और जॉस को आप कभी भी आउट ऑफ बैलेंस नहीं देखेंगे, जब भी बड़े शॉट मारें, कोई भी शॉट मारें, आप पाएंगे कि बेस बहुत स्ट्रांग है, सर जो है वो शरीर के बीच में रहता है, ना इधर भागता है ना उधर भागता है, और इस वजह से ये वो काम कर पाते हैं जो बाकी करने में असमर्थ रहते हैं। भैया ये अलग खिलाड़ी है और मेरे विचार में, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे विचार में विश्व का नंबर वन T20 बल्लेबाज है। इनके जैसी बैटिंग जिस दिन ये बैटिंग करते हैं कोई और कर नहीं सकता, स्पिन फास्ट बॉलिंग सबके साथ प्रॉपर डेमोक्रेटिक अंदाज में बराबर पिटाई करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी को ज़्यादा मार दिया किसी को छोड़ दिया, बराबर सबकी पिटाई।